एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। झुंझुनू पुलिस के सामने इन दिनों ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिल रही है। चोरी की वारदात जहां जिले भर में रुकने का नाम नहीं ले रही, वहीं तस्कर गिरोह ने आकर रातों की नींद उड़ा दी। अब करे तो भी पुलिस क्या करे, लकड़ियों से भरी पिकअपों को किया जब्त। सुल्ताना चौकी इंचार्ज राकेश जांगिड़ ने बताया कि देर रात पुलिस गश्त के दौरान अवैध हरी लकड़ियों से भरी दो पिकअप गाड़ियों को किया जब्त। पुलिस को आते देख पिकअप चालकों ने पिकअपों को सड़क पर ही छोड़कर हो गए फरार। अब पुलिस पिकअप के नंबरों के आधार पर पिकअप मालिकों का पता लगाने में जुटी है। अवैध रूप से काटी गई हरी लकड़ियां तस्करी कर हरियाणा में बेची जा रही थी। लकड़ियों को बेचकर आते समय हरियाणा से सस्ता डीजल लेकर राजस्थान में बेचा जा रहा है। हम आपको बता दें कि हरियाणा से राजस्थान में 10 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से लंबे समय से ये गिरोह सक्रिय है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये गिरोह लगातार यहाँ सक्रिय रहता है, इसके बावजूद भी पुलिस इस पहुँच से दूर क्यों? आपकी क्या राय है इस पे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन लोगों पर स्थायी कार्रवाई हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।